अरावली की गोद में बसे किवलरी और पांडुरी गांव। बनास नदी नजदीक है, कुएं भी हैं और यूं पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पांडुरी ग्रामवासियों की अपनी एक पीड़ा है। सब्जी अच्छी नहीं बनती, चाय नहीं बनती, पानी पीने में अच्छा नहीं लगता, पेट दर्द करता है, और वो नहाने धोने में वो ठीक ना था पानी। जी हाँ, प्रकृति मेहरबान है, पानी अच्छी मात्रा में तो है लेकिन पानी की गुणवत्ता खराब है। साथ ही पांडुरी की छिद्राई आबादी पेयजल वितरण में दूसरी बड़ी चुनौती है। वहीं केवलरी गांव में हम पेयजल की बात करें तो लगभग 4800 की जनसंख्या वाले केवलरी गांव में 4 नलकूपों, 50 किलोलीटर क्षमता के एक स्वच्छ जलाशय और 200 किलोलीटर क्षमता के एक उच्च जलाशय से घरों में पाइपलाइन द्वारा पानी तो पहुंच रहा था, लेकिन कुल 773 घरों में से सिर्फ 332 घरों में ही, यानी आधे गांव भर में। यही नहीं, लगभग 35 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन से अंतिम छोर तक पानी भी नहीं पहुंच पाता था। पहाड़ी इलाके में बसे केवलरी गांव में पेयजल तंत्र को सुधारने के लिए धरातल पर आई जल जीवन मिशन योजना। जलदाय विभाग के अभियंताओं ने ग्रामीणों से योजना की जानकारी साझा की। समस्या के समाधान में ग्रामीणों के उचित सुझावों को शामिल करते हुए योजना स्वीकृत करवाई और 167.46 लाख का कार्यादेश जारी कर 100 किलोलीटर क्षमता के एक उच्च जलाशय का निर्माण करवाया। 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के नेटवर्क का ताना बाना बुन सभी घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल सुलभ करवाया। वहीं लगभग 1300 की आबादी वाले पांडुरी गांव में 96.75 लाख का कार्यादेश जारी कर केवलरी में शुद्ध गुणवत्ता का एक नलकूप, 100 किलोलीटर क्षमता का एक उच्च जलाशय का निर्माण और लगभग 5,500 मीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से गांव के सभी घरों में नल से खारे पानी की जगह शुद्ध पेयजल सुलभ करवाया। अपने बीते दिनों की यादों, आज घर में ही आ रहे मीठे पानी के सुख की बातें कुछ यूं बतलाई पूजा देवी ने। खेत पास में ही अगर नदी के तो कपड़े वपड़े जो शाम को हम नहाते थे तो सुबह सब कपड़े वपड़े साथ में ही लेके जाती थी, खाना वाना भी तो खेत में ही खाना खा लेते और फिर नदी में जाके कपड़े वपड़े धो के और खेत में ला के एक नदी में सुखा देते थे, सूख जाते फिर वापस हमारे खेत में आ जाते, फिर बैठते थोड़ी बार, फिर वापस काम पे लग जाते थे, फिर वो ही शाम को वापस घर पे आते थे। पानी है ये टंकी, पानी का टेंशन नहीं, क्यों सब वो ला ला के और पानी की होद बना दिया भर जाता है पानी, तो यूँ मतलब आराम मिल जाता है, नहीं तो आराम ही कहाँ, पानी नहीं तो आराम ही कहाँ, पहले पानी फिर काम। दलपत सिंह ने जल जीवन मिशन से पहले और योजना के बाद आए बदलाव के बारे में कहा कि पहले पूरे गांव में एक ही टंकी थी, जो पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ रेबारी वास है, वहाँ तो कनेक्शन ही नहीं थे मतलब, और जो पुरानी टंकी है वो झर रही थी, ऊपर से कभी कोई ये बड़े बड़े चिपड़े गिर रहे थे। नई टंकी बनी, उससे पाइपलाइन भी पूरे गाँव में नई बिछाई है और उससे प्रेशर भी अब जो चाहिए वो आ रहा है, और बिना मोटर के जो एक छज्जे पे चढ़ जा रहा है बिना मोटर के। गांव के बुजुर्ग जोरा राम जी अब आश्वस्त हैं कि पाइपलाइन की टूट फूट से अब छुटकारा मिलेगा। जब हमने रोड माता का हालता मशीन बीजा गाड़ी ट्रैक्टर मोटर तब उसको फूट जाती खड़ी, टंकी एक होती तो बने टंकी थी, गोम बढ़िया था तो पोछता नहीं था, घर घर पाइप लीक होता था, फूटता पानी आता है तो पानी थी, साफ सफाई तो होती है सब घर की। दामिनी देवी नई पानी की टंकी बनने के बाद खुश हैं कि अब घर में पानी चढ़ाने के लिए मोटर चलाने की जरूरत नहीं है। पानी तो मतलब घर पे आता, मोटर चालू करनी पड़ती थी, अब मोटर की जरूरत नहीं है। टंकी बनने से पानी अच्छा आता है, वो टंकी में डायरेक्ट ऊपर चढ़ता है पानी, पानी है तो सफाई करते है, पानी नहीं होता सफाई कहाँ से करे। पेयजल की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता जल जीवन मिशन का एक अहम पहलू है। स्थानीय स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिससे गांव में सप्लाई हो रहे पेयजल की नियमित जांच कर शुद्ध पेयजल वितरण सुनिश्चित किया जा सके। 1.5 से आगे फ्लोराइड होता है, जिससे हमारे शरीर को हानिकारक तत्व पैदा होने लगते हैं, बालों का झड़ना, दांतों का पीला पड़ना, आंखों की रोशनी जाना। शुद्ध पेयजल की सुलभता हमारे जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। जल जीवन मिशन से गांव की आंगनबाड़ी में पानी का कनेक्शन जारी किया गया। इन नन्हे खिलते फूलों के पीछे शुद्ध जल की भूमिका भला कौन नकार सकता है। हेलो
स्थानीय विद्यालय की शिक्षिका सावित्री देवी ने जल जीवन मिशन से मिल रहे शुद्ध पेयजल से आए परिवर्तन कुछ यूं बताए। विद्यालय का ही हेडपंप था और पूरा गांव विद्यालय से ही पानी भरता था। औरतें यहाँ इकट्ठा होके पंचायती करती थी, बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे, पढ़ाई में भी व्यवधान आता था। बच्चे पानी पीते थे ना, उनको दो घंटा एक घंटा खड़ा रखती थी। टंकी बनने से ही है कि नल लगने से हमारे सुविधा हो गई, बच्चों को हेडपंप पे कम जाना पड़ता है। यहाँ पानी की टंकियाँ हमारे प्लास्टिक की, वो रख लेते, उसमें से बच्चे पानी पी लेते। और लोगों का आना जाना भी बंद हो गया, सब अपने अपने घरों में पानी आता था, वहाँ से भर लेते थे, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता। हमको भी पानी की सुविधा मिल गई, यहाँ बच्चों का भोजन बनता है। टॉयलेट कप, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर शौचालय के लिए टंकी लगेगी तो यहाँ से हम सीना कनेक्शन दे देंगे, तो हमारे को भी सुविधा हो गई है। पानी लेना नहीं जाना पड़ेगा, फ्लैस्क वगैरह सब लगा दिए, उससे सुविधा हो गई। केवलरी और पांडूरी गांव सिर्फ एक मिसाल भर हैं, जहाँ पेयजल बिना किसी भेदभाव के सभी के जीवन को नई दिशा दे रहा है। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, समुदाय अलग अलग है, जैसे कोई पुरोहित समाज है, राजपूत समाज है, मेघवालवास है, सभी प्रकार के समाज है, सभी जगह लाइन कनेक्शन बिछा दी गई है और सभी जगह पानी की सप्लाई चालू है। और हर घर जो नल कनेक्शन लगाने का गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो केवलरी में मोस्ट ऑफ सक्सेस है, क्योंकि यहाँ एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ नल कनेक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ सभी के घर नल कनेक्शन है और सभी जल का उपयोग भी कर रहे हैं, उनके खाने पीने धोने वगैरह में सभी में यूज में लिया जा रहा है। जल जीवन मिशन ने आज पीढ़ियों से चली आ रही पेयजल के संघर्ष की पीड़ा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। खुशी की इस बात की अभी टंकी आ गई है, पानी भी आ रहा है। कितने सालों के बाद हमारे सास ससुर भी पानी पानी करते चले गए, उनके बाद ये टंकी आई है, पानी आई है। कोई कह नहीं सकते थे ये गांव में पानी आएंगे, घर घर नल आएंगे। जल जीवन मिशन आज हर घर जल हर घर नल के सपने को सार्थक कर रहा है। मिशन के माध्यम से प्रदेश भर में बन रही पेयजल परिसंपत्तियां भविष्य में आने वाली कई पीढ़ियों के सुखद भविष्य की नींव बनेंगी और वर्तमान में हर उस व्यक्ति की मुस्कान का कारण जो घरों में पेयजल की जिम्मेदारी थामे हैं।